अजमेर दरगाह कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती और सलमान चिश्ती के बयान को लेकर देश भर के साधु संतों में आक्रोश है। आपको बता दें कि अमेठी सगरा आश्रम के पीठाधीश्वर मौनी महाराज ने अजमेर दरगाह कमेटी के मौलानाओं के बयान को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है। मौनी महाराज ने देश भर के हिंदुओं और सनातन संस्कृति को मानने वालों से दरगाहों और मस्जिदों पर न जाने की अपील की है। आपको बता दें कि मौनी महाराज ने कहा है कि सनातन धर्म सबका सम्मान करता है, सब पर विश्वास करता है। अजमेर शरीफ दरगाह पर हिंदू भी जाते हैं और मुसलमान भी जाते हैं। अब वहां से हिंदुओं का सिर कलम करने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में ऐसी जगहों पर हिंदुओं को नहीं जाना चाहिए। किसी भी मज़ार मस्जिद पर जाने से अपमान का सामना करना पड़ रहा है। हिंदू समाज के लोग तो हमेशा मुस्लिम धर्म का सम्मान करते थे और मुस्लिम हिंदू धर्म का अपमान करते रहे हैं। ऐसे में हिंदुओं को अपने धार्मिक स्थलों मठ मंदिरों में जाना चाहिए। ऐसे माहौल में जबकि सिर कलम करने की धमकी दी जा रही है, मज़ार मस्जिद पर जाकर भीड़ बढ़ाना कहाँ तक उचित है। इतना ही नहीं, मौनी महाराज ने फिल्म काली का विरोध जताया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का अपमान करना, हिंदू देवी देवताओं पर कार्टून बनाना, अपमानित करना फिल्म के कलाकारों और डायरेक्टर्स का स्वभाव बनता जा रहा है। अभी हाल में ही एक फिल्म में मां काली को सिगरेट पीते दिखाया गया है। ऐसे डायरेक्टर पर कार्यवाही होनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूँ कि ऐसे डायरेक्टर्स पर कठोर कार्यवाही हो। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।